नमस्कार मैं डॉक्टर नमिता वर्मा एकेडमिक कंसल्टेंट उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी अर्थशास्त्र विभाग हमारा आज का विषय है निर्धनता का दुष्चक्र आज के युग में निर्धनता एक अभिशाप है यह जीवन का सबसे बड़ा न किया हुआ ऐसा अपराध है जिसकी सजा बेगुना व मजलूम इंसान को भुगतनी पड़ती है मानव जाति का सबसे बड़ा और क्या दुर्भाग्य हो सकता है कि विधाता की बनाई हुई इस धरती पर एक तरफ सुख सम्पन्नता विलास व ऐशो आराम अपनी पराकाष्ठा की सीमा पर हैं, तो दूसरी ओर करोड़ों अभागे इंसान जिल्लत भूख और गरीबी के दुख से पीड़ित हैं। जालिम और जाहिल लोग इसे तकदीर का नाम देते हैं और मजलूम असहाय लोग इसे अपनी बेबसी मानते हैं अगर यह सच है कि भाग्य विधाता ने इंसान के पुतले में जान डालते वक्त उसके हाथ की लकीरों के साथ मनचाह खिलवाड़ किया है तो इंसान की इस धरती पर बसने वाली इंसानियत का यह तकाजा है कि भाग्य की इन विषमताओं को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाए सवाल यहां पर यह है कि निर्धनता के दुष्चक्र से अभिप्राय क्या है निर्धनता अपनी जननी स्वयं है दूसरे शब्दों में निर्धनता का कारण और परिणाम स्वयं निर्धनता ही है निर्धनता का दुष्चक्र एक ऐसी वृत्ताकार प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ भी निर्धनता से होता है और अंत भी निर्धनता के रूप में होता है प्रोफेसर विंसलो के अनुसार प्रोफेसर विंसलो ने जिनेवा में होने वाले विश्व स्वास्थ्य संघ डब्ल्यू के अधिवेशन में द कॉस्ट ऑफ सिकनेस एंड प्राइस ऑफ हेल्थ नामक विषय पर बोलते हुए इस शब्द का अर्थ इस प्रकार स्पष्ट किया था कि निर्धनता एवं बीमारी एक दुष्चक्र के परस्पर क्रमबद्ध थे पुरुष और स्त्रियाँ इसलिए बीमार थीं क्योंकि वे लोग गरीब थे वे गरीब इसलिए हो गए क्योंकि वे बीमार थे वे और अधिक इसलिए गरीब होते चले गए क्योंकि वे बीमार बने रहने और उनकी उत्तरोत्तर बीमारी का कारण उनकी गरीबी थी नर्क से संभवतया पहला अर्थशास्त्री था जिसने निर्धनता के दुष्चक्र को सही ढंग से स्पष्ट करने का प्रयास किया है उन्होंने इस शब्द का प्रयोग अल्प विकसित राष्ट्रों के संदर्भ में उसकी एक प्रमुख विशेषता के रूप में किया है उनका यह प्रचलित कथन कि एक देश इसलिए निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है कंट्री इ बिकॉज इट इज पुअर वास्तव में निर्धनता के दुष्चक्र पर ही आधारित है नक्श महोदय ने निर्धनता के दुष्चक्र से अभिप्राय इस प्रकार लगाया है कि निर्धनता के दुष्चक्र का अर्थ नक्षत्र मंडल के समान वृत्ताकार ढंग से घूमती हुई ऐसी शक्तियों से है जो एक दूसरे पर इस प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया करती रहती है कि एक देश निर्धनता की अवस्था में ही बना रहता है उदाहरण के लिए एक निर्धन व्यक्ति को खाने के लिए पर्याप्त खाद्य नहीं मिल पाता खाद्य की कमी के कारण वह निर्बल हो जाता है शारीरिक रूप से निर्बल होने पर उसकी कार्य क्षमता कम होने लगती है जिसका अर्थ यह है कि वह निर्धन है जिसका फिर यह अर्थ होता है कि उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और यह क्रम इसी प्रकार आगे भी चलता रहता है इस स्थिति को संपूर्ण देश के साथ संबंध करने पर एक कथन के रूप में इस प्रकार कहा जाए कि एक देश इसलिए निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है अब हम बात करते हैं निर्धनता के दुष्चक्र की विशेषताओं के बारे में उपरोक्त तो दोनों कथनों के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं पहला कि निर्धनता का कारण वह परिणाम स्वयं निर्धनता है निर्धनता अपने प्रारंभिक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट से अंतिम बिंदु तक वृत्ताकार यानी कि सर्क्यूलर ढंग से क्रिया व प्रतिक्रिया करती हुई आगे बढ़ती है तीसरा इसका प्रभाव संचयी यानी कि क्यूमुलेटिव होता है अर्थात एक स्तर पर पाई जाने वाली निर्धनता अगले स्तर पर और भी अधिक घातक होने लगती है चौथा यह एक ऐसी लगातार प्रक्रिया है जो संबंधित घटकों को सदैव नीचे की ओर यानी डाउनवर्ड प्रेसिंग ढकेलती है पांचवा निर्धनता के दुष्चक्र की शुरुआत एक नकारात्मक घटक की उपस्थिति से होती है और यह घटक अगले नकारात्मक घटक का कारण व परिणाम दोनों होता है प्रोफेसर रागनर नर्कसे का मत है कि यह संबंध पिछड़े हुए देशों में पूजी संचय की स्थिति को कारण वो परिणाम के रूप में स्पष्ट करता है किसी देश में पूजी की पूर्ति बचत करने की शक्ति वो इच्छा पर निर्भर करती है जबकि पूजी की मांग विनियोग की प्रेरणाओं पर निर्भर करती है विश्व के अधिकांश निर्धनता ग्रस्त क्षेत्रों में पूंजी निर्माण की समस्या का यह मांग व पूर्ति पक्ष रूपी चक्रीय संबंध प्राय देखने में आता है दूसरे शब्दों में अगर यह कहें नर्से ने यह बताने का प्रयास किया है कि पूंजी व पूंजी निर्माण की कमी मांग व पूर्ति दोनों पक्ष के आधार पर होती है अब हम बात करते हैं पूर्ति पक्ष की पूर्ति पक्ष का अर्थ है जब पूंजी निर्माण के लिए वांछित पूंजी की कमी की पूर्ति किन ही कारणों के फलस्वरूप कम हो जाती है जैसे पिछड़े देशों में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम होने पर बचत करने की शक्ति कम होती है प्रति व्यक्ति आय इसलिए कम होती है क्योंकि उत्पादकता कम होती है उत्पादकता इसलिए कम होती है क्योंकि विनियोग कम होते हैं और विनियोग की कमी का कारण बचत की मात्रा का कम होना है बचत स्वयं लोगों की बचत करने की शक्ति पर निर्भर करती है जो कि पहले से ही कम है बचत क्षमता इसलिए कम है क्योंकि प्रति व्यक्ति आय कम है और इस प्रकार यह चक्र पूरा हो जाता है जैसा कि इस चित्र से स्पष्ट है अब बात करते हैं मांग पक्ष की मांग पक्ष का अर्थ है देश में पूंजी की मांग का ही कम होना जैसे एक देश में विनियोग की प्रेरणाएं इसलिए कम होती हैं क्योंकि बाजार का आकार सीमित होता है अर्थात वस्तुओं की मांग कम होती है मांग के कम होने के कारण लोगों के पास क्रय शक्ति का कम होना है क्रय शक्ति इसलिए कम होती है क्योंकि आय कम होती है आय इसलिए कम होती है क्योंकि उत्पादकता कम होती है और उत्पादकता के कम होने के कारण पूंजी का कम विनियोग है पूंजी का विनियोग इसलिए कम हो जाता है क्योंकि विनियोग की प्रेरणाओं का अभाव होता है और इस प्रकार यह चक्र भी पूरा हो जाता है नक्से का कहना है कि इस संबंध में ध्यान रखने योग्य यह बात है कि वास्तविक आय का निम्न स्तर वस्तुओं की मांग व पूर्ति के निम्न स्तर का कारण व परिणाम दोनों है वास्तविक आय के कम होने का प्रभाव एक तरफ वस्तुओं की मांग पर पड़ता है तो दूसरी ओर लोगों द्वारा की जाने वाली बचतों पर पड़ता है परंतु अंततः यह दोनों स्रोत पक्ष एक ही बिंदु कम उत्पादकता अर्थात निम्न वास्तविक आय पर आकर मिल जाते हैं अतः स्पष्ट है कि निर्धनता अर्थात आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण पूंजी का अभाव है परंतु निर्धनता का यह एकमात्र कारण नहीं पूंजी के अलावा प्राकृतिक साधनों का अभाव तथा उनका अल्प विदोहन और बाजार अपूर्णताएं भी निर्धनता के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी ठहराई जाती हैं प्रोफेसर नक्से का भी कहना है कि हमको सदैव याद रखना चाहिए कि पूंजी ही सब कुछ नहीं है उस चक्रीय संबंध को जो कि अल्प पूंजी निर्माण का कारण है के अतिरिक्त अन्य भी कुछ ऐसे कारण हैं, जो एक देश को निर्धन बनाए रखते हैं उदाहरण के तौर पर खनिज पदार्थों का अभाव तकनीकी ज्ञान की कमी उत्प्रेरणाओं एवं उद्यमशीलता का अभाव इत्यादि प्रोफेसर मायर व बाल्डमीन के अनुसार निर्धनता का दुष्चक्र मुख्य रूप से मानवीय और प्राकृतिक साधनों के अल्प शोषण पर आधारित है आर्थिक दृष्टि से लोग जितने अधिक पिछड़े हुए होंगे प्राकृतिक साधनों का दोहन उतना ही कम होगा संक्षेप में अल्प विकसित प्राकृतिक साधन निर्धनता के कारण वह परिणाम दोनों ही है प्रोफेसर के एन भट्टाचार्य के अनुसार निर्धनता और आर्थिक पिछड़ापन दोनों पर्यायवाची शब्द हैं एक देश इसलिए निर्धन होता है क्योंकि वह अल्पविकसित है वह अल्पविकसित इसलिए है क्योंकि वह निर्धन है और अल्पविकसित इसलिए बना रहता है क्योंकि उसके पास विकास को गति प्रदान करने के लिए वांछित साधनों का अभाव होता है निर्धनता एक अभिशाप है परंतु इससे बड़ा अभिशाप यह है कि निर्धनता अपनी जननी स्वयं है जॉन कैनेथ गैलब्रथ ने निर्धनता के स्वरूप उसके दुष्चक्र के कारणों के संबंधों में निम्न विचार रखे हैं पहला लोग इसलिए गरीब हैं क्योंकि उन्हें गरीब रहना पसंद है नंबर दो दरिद्र देश प्राकृतिक रूप से ही दरिद्र है नंबर तीन कोई देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह औपनिवेशिक उत्पीड़न का शिकार रहा है चौथा गरीब वर्ग शोषण का परिणाम है पांचवा गरीबी का कारण अपर्याप्त पूंजी है छठा अत्यधिक जनसंख्या गरीबी का कारण है आइए अब हम बात करते हैं निर्धनता के दुष्चक्र की गुन्नार मेंडाल द्वारा समीक्षा प्रोफेसर गुन्नार मंडाल ने निर्धनता के दुष्चक्र की संचयी प्रक्रिया व एक तरफा नकारात्मक स्वरूप की आलोचना करते हुए कहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि निर्धनता का यह दुष्चक्र सदैव एक ही दिशा अर्थात नीचे की ओर ही अग्रसर होता है दूसरे शब्दों में एक निर्धन देश उत्तरोत्तर निर्धन ही होता जाएगा यह मानना भयंकर भूल होगी इसका कारण यह है कि प्रत्येक आर्थिक प्रक्रिया के उपरांत एक स्थिति विराम वह सामने की होती है जहाँ पर सभी आर्थिक घटक निश्चल बने रहते हैं और इस बिंदु पर विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ एक दूसरे के साथ गठबंधन बनाई रहती है ऐसी हालत में संभव हो सकता है कि, कि किसी घटक विशेष के प्रभावपूर्ण धक्के से अर्थव्यवस्था कोई नया मोड़ धनात्मक लेकर स्थिति को पूर्णता बदल दे प्रोफेसर मेडाल का मानना है कि इस दुष्चक्र की यह मान्यता कि किसी चक्र की संपूर्ण प्रक्रिया के तदंतर अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई सामाजिक संस्थागत व राजनीतिक परिवर्तन नहीं होता यह एक बहुत बड़ी भूल है इस विचारधारा का एक अन्य दोष यह है कि इसमें समय तत्व की अवहेलना की गई है उन्हें लगता है कि निर्धनता के दुष्चक्र की प्रक्रिया को किसी फिल्मी कहानी के घटनाक्रम पर आधारित करने का प्रयास किया गया है जिसमें प्रत्येक घटना किसी निश्चित क्रम व नियमित समय पर घटित होती है और ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि घटनाक्रम के पीछे निर्माता व निर्देशक की इच्छा व पूर्व निश्चित मोड़ों की उपस्थिति अवश्य भावी है परंतु यह अर्थव्यवस्था की स्थिति इससे सर्वथा भिन्न है कौन सा आर्थिक घटक कब और किस प्रकार मोड़ लेगा उसे कौन से अन्य ज्ञात अथवा अज्ञात तत्व किस स्तर पर और किस रूप में प्रभावित करेंगे यह अनुमान तो लगाया जा सकता है परंतु उसे एक स्वचालित मशीन के रूप में नहीं दिया जा सकता अब यह प्रश्न उठता है कि निर्धनता के इस दुष्चक्र को किस प्रकार तोड़ा जाए या निर्धनता को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जाएं? रागनर नक्से का मत है कि निर्धन राष्ट्रों को अल्प विकसित साम्य की इस अवस्था को एक ना हल होने वाली भाग्य पहेली नहीं समझ लेना चाहिए बल्कि जैसा कि विश्व के कई देशों में देखने को मिलता है इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए पर्याप्त समाधान उपलब्ध किए जा सकते हैं नक्से ने अपने शब्दों में कहा है कि एक स्थिर अवस्था में शक्तियों का चक्रीय रूप में काम करना एक वास्तविक अवश्य है किंतु सौभाग्य से यह चक्र ऐसा नहीं है कि जिसे तोड़ा ना जा सके अतः इस चक्र को हमें विषम कहने में संकोच करना चाहिए क्योंकि एक बार इस दुष्चक्र को तोड़ देने पर यह लाभपूर्ण भी बन सकता है इस संबंध में किए जाने वाले प्रयत्नों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है पहला संतुलित विकास अर्थात ज्यादा से ज्यादा उद्योगों में पूंजी का विनियोग करना चाहिए नंबर दो घरेलू क्षेत्र में पूंजी निर्माण को गति प्रदान करनी चाहिए तीसरा विकसित तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए चौथा उत्पत्ति के साधनों का पूर्ण उपयोग करना चाहिए पांचवा उद्यमशीलता की कमी के कारण सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए छठा मौद्रिक उपायों को लागू करना चाहिए सातवा शिक्षा का प्रसार व सामाजिक व संस्थागत ढांचे में परिवर्तन करना चाहिए धन्यवाद